हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। मैं पूनम सिंह, आज आपको यूपी स्टाइल में किस तरीके से कढ़ी बनाई जाती है वो बताएंगे। ये मैंने छाछ ली हुई है, दही है और फेट कर रखा हुआ है। थोड़ी ये खट्टी है, खट्टी दही में हम बेसन को मिक्स कर देते हैं। करीबन ये कटोरी मैंने बेसन डाला है इसमें, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक। और इसमें अब हम डालेंगे एक स्पून, हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर। साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालेंगे हम हरी कटी हुई मिर्च। उसको काट लेते हैं अच्छे से। ये मैं दो तीन हरी मिर्च डालूंगी। कड़ी पत्ते में सबसे पहले हम ये कड़ी पत्ता यूज करेंगे कड़ी बनाने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है, इसको तोड़ लेते हैं और इसको फ्राई कर, जब करेंगे कड़ी को, इन पत्तों को हम यूज करेंगे। ये इस तरीके का पेड़ होता है, आप इसको अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। और इस जो पेस्ट हमने ये तैयार करना है, आप इसको मिक्स कर लीजिए बेसन को और दही के अंदर जो हमने बनाया है। इस तरीके से इसको मिक्स करें कि इसके अंदर कोई भी गुड़ी ना हो, अच्छे से पूरा बैटर इसका तैयार हो जाए। और इसको अब आप 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। साथ में इसमें डालने के लिए हम कड़ी पत्ता जो हम लेके आए थे उसको छोटा छोटा काट लेंगे। साथ में हम इसमें लहसुन काट कर डालेंगे, और ये दो बड़े प्याज हमने लिए हैं, इसको भी चॉप करेंगे बड़े साइजेस में। अब हम थोड़ा सा बेसन लेते हैं, अब हम इसकी पकौड़ियां उतारेंगे क्योंकि कढ़ी बिना पकौड़े के बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का ही रखें। इसको पानी डालते रहेंगे धीरे धीरे से, और इसका थोड़ा सा थिक बैटर तैयार करेंगे जैसे हम पकौड़ियों का बनाते हैं। सेम हमें छोटी छोटी पकौड़ियां उतारनी है कढ़ी के लिए। आप चाहे तो इसमें इस टाइम पर साबुत धनिया भी डाल सकते हो, वो आपके चॉइस है। आप जब पकौड़ियां बनाते हैं तो इसका जो बैटर है वो ज्यादा टाइट ना रखें, अदरवाइज पकौड़ी जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी आपकी। अब हम एक ये कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल डाल दिया है, छोटी छोटी पकौड़ियां उतारेंगे हम कढ़ी के लिए। और इसको अब हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये पकौड़ियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, आप देख सकते हो मैंने सरसों का तेल यूज किया है। और इसमें डालेंगे हम एक चार पीस की हुई मैंने ये हरी मिर्च डाल दी है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च सूखी वाली डाल सकते हो। इसमें डालेंगे अब हम मेथी दाना, और इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसमें डालेंगे हम अजवाइन, जीरा, और इसको भुनने देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हींग, और अब हम इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, और
और इसमें अब हम डाल देते हैं बड़ा कटा हुआ प्याज और इसको अच्छे से सॉटे करेंगे, ब्राउन होने देंगे। अब देखिए प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे जो हमने बेसन और दही का जो घोल बनाकर रखा हुआ था, चलाते रहें और डालते रहें, चलाते रहें डालते रहें, धीरे 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 धीरे, बस अब इसको रोकना नहीं है, अब आपको धीरे धीरे चलाते रहना है। और साथ में अब हम डालेंगे पानी, इसमें मैं 3 गिलास बड़े पानी डाल दूंगी। मेन जो टेस्ट होता है कढ़ी का वो डिपेंड करता है आपके चलाने के प्रोसेस पे, हमेशा दही जो होती है गर्म करने पर फट जाती है, तो आप ध्यान रखें दही ना फटे। और इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे पकोड़े, जिससे वो पकोड़े जो है हमने जो सॉफ्ट से बनाए और सॉफ्ट रहे, और इसको सिम आंच पर कम से कम 10 मिनट पकाएंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये देखिए बॉईल हो रही है धीरे धीरे धीरे, सिम आंच पर मैंने रखी है, ये 15 मिनट हो चुके हैं और ये कढ़ी बनकर तैयार। आप चाहे तो इसको गार्निश करने के लिए हरी धनिया यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी इस तरीके की कढ़ी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।